नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू बिकम अ बेटर इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने आप को किस तरह से एनहेंस कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सीखनी चाहिए और इसको अपना करियर पाथ जो है वो क्यों चुनना चाहिए। तो ये सारी डिटेल जो है मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टेक गुरु मंजीत, और वहां पे आप मुझे फॉलो कर लें क्योंकि हर सैटरडे को मैं आऊंगा वहां पे लाइव, और लाइव में आने के बाद दूंगा आपके सभी सवालों के जवाब। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे हमारे इस वीडियो के अंदर। तो यहां पे जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको करियर क्यों चुनना चाहिए, क्यों जो है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़े और सबसे टॉप पे मैं बोलता हूं कि ये सेट क्यों होते जा रहा है। सबसे बड़ी चीज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग क्यों बनते जा रही है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर चुके हैं या करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करूं या नहीं करूं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें जो है पूरी डिटेल बताने वाला, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते कैसे हैं, क्या होते हैं उसके अंदर ऑप्शन, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करी जाती है, SEO वगैरह किस तरह से करा जाता है, ये चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूं। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो डेफिनेटली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो आई एम श्योर आप सभी लोग अवेयर हैं कि आज की डेट में जो है हर चीज वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं, और आज की डेट में अब मैक्सिमम बहुत कम लोग होंगे जिनके पास स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो ऑनलाइन नहीं सर्च कर पाते, लेकिन मैक्सिमम अगर क्राउड की बात करें पूरे इंडिया की बात नहीं करूंगा, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, तो यहां पे सबसे ज्यादा सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कोई भी एक्स वाई चीज अगर हमें खरीदनी है, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे जोधपुर में रहता हूं और मुझे अपनी ये वॉल के लिए एक वॉल पेपर खरीदना है, तो मैं सबसे पहले या जाके सीधा मार्केट के अंदर कौन सी दुकान है, कहां पर दुकान है, ये नहीं ढूंढता हूं। सबसे पहले उस दुकान के लिए ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे जाऊंगा गूगल के ऊपर, अपना स्मार्टफोन उठाऊंगा, अपना कंप्यूटर उठाऊंगा, जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है इंटरनेट के साथ में, आप वहां पे जाते हैं, जाकर गूगल ओपन करते हैं, सर्च इंजन ओपन करते हैं, और सर्च इंजन ओपन करके हम क्या सर्च करते हैं, बेस्ट वॉलपेपर सेलर इन जोधपुर, राइट। इसी तरह से आई एम श्योर कोई भी प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, चाहे टाइल्स हो, बर्तन हो, शॉपिंग्स हो, मतलब कोई भी एक्स वाई चीज अगर हम खरीदना चाहते हैं, तो हर चीज हमारी शुरुआत होती है सर्च करने से। सर्च करने से हमारे पास दो बेनिफिट मिल जाते हैं। पहला बेनिफिट ये मिल जाता है कि हमें लोकल के अंदर अगर मार्केट में जाके हमें देखना है, खरीदना है, तो वो ऑप्शन भी पता चल जाता है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि वो जो चीज आप यहां पे परचेस करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, भले ही आप लोकल एड्रेस के लिए कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आने वाली है, ऑनलाइन किस तरह का आपको प्रोडक्ट मिल सकता है और कौन से डिजाइंस मिल सकते हैं, ये भी आपको वहां पे पता चल जाता है, राइट। लेकिन यहां पे बात ये नहीं है कि यहां पे सर्च इंजन के अंदर हमें क्या बेनिफिट मिला, ये तो एंड यूजर को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा है या हम करने वाले हैं तो हमें इससे बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, यहां पे मैं बताऊं, हमें इसी चीज का बेनिफिट उठाना है जो अभी मैंने बताया सर्च इंजन का। आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं लाखों रुपए लगा के अपनी बहुत अच्छी दुकान बना लेते हैं, बहुत अच्छा शोरूम डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बोलो कि भैया इसकी पब्लिसिटी के लिए, अगर आप अपनी दुकान की पब्लिसिटी के लिए जो है आप डिजिटल मार्केटिंग करो, अपनी एक वेबसाइट बनाओ, है ना, वेबसाइट बना के आप उस पर SEO करवाओ, तो जब ये सारी चीजें बोलोगे, ये आप टेक्निकल टर्म्स के अंदर बोल रहे हो, राइट। हाँ, आप टेक्निकल टर्म्स के अंदर बोल रहे हो कि यार आपको एड चलानी चाहिए, ठीक है ना। तो भले ही उसने लाखों रुपए का सामान डाला है, लाखों रुपए का अपना फर्नीचर बनाया है, लाखों रुपए जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसको ना बोलोगे कि भैया 5 या 15 हजार या 20 हजार या 10 हजार आप हर महीने मार्केटिंग के अंदर खर्च करो ताकि आपको इसका डबल बेनिफिट मिल सके, तो आई एम श्योर दोस्तों कि आप ये करके देख लेना, लेकिन कोई भी राजी नहीं होता।
बहुत रेयर केस में कुछ लोग ऐसे राजी हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड के बारे में उसकी पावर मालूम है। तो लेकिन मैक्सिमम लोग जो है आपको ना बोल देते हैं। तो अगर आपने यहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके रखा है तो आप क्या करो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप क्या करो, एक वेबसाइट डिजाइन करो। वेबसाइट डिजाइन करने के बाद उसके ऊपर जितना आज तक आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखा है वो सारी टेक्निक्स, वो सारी स्किल्स और वो सारा नॉलेज जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर दो। अब ऐसा करने से होगा क्या कि आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप रैंक में आ जाएगी, भले ही वो आपके पहले टॉप पे नहीं आ पा रही है सर्च इंजन के अंदर, अगर पहले पेज के ऊपर भी आ गई, अगर फ्रंट पेज के ऊपर भी आ गई, तब भी आपका काम हो गया कि आपने मेहनत करी और मेहनत करके आपकी खुद की वेबसाइट को आप पहले नंबर पे लेकर आए। अब वेबसाइट के अंदर आपको करना क्या है, वेबसाइट के अंदर ये करना है कि आपको जो ऐसे सप्लायर्स हैं या ऐसे होलसेलर्स हैं जो आपकी सिटी के अंदर जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग को नहीं जानते बट उनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, राइट? तो अगर आप उनके पास जाते हो कि आपकी वेबसाइट बना के प्रमोट करो या उसमें इतना इन्वेस्टमेंट करो, आई एम श्योर कि वो राजी नहीं होंगे। लेकिन अदर वे अगर आप ये बोलो कि यार मैं आपको क्लाइंट लाके देता हूं, आप मुझे कमीशन दो, तो डेफिनेटली हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा होलसेलर हो या रिटेलर हो, वो राजी हो जाता है, राइट? लेकिन अब आपको करना क्या है कि ऐसे कुछ दो चार लोगों से टाइप कर लेने जिनके पास क्वालिटी अच्छी हो, कस्टमर्स को जो है काफी ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देते हो, यानी कि उनकी कॉल्स अटेंड करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट करें और काम को टाइम पे डिलीवर कर सकें। ऐसे दो तीन आपको सप्लायर्स को हैंडल करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक्स वाई जेड कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो यहां पे जब आप ऐसा करोगे आपको करना क्या है कि उनके साथ में टाइप करना है, टाइप करने के बाद में अपनी वेबसाइट के ऊपर वही प्रोडक्ट जिनके लिए आपने टाइप करा उन प्रोडक्ट को आपको लिस्ट करना है, वो आपको फोटो खींचने भी देंगे, उनके रेट्स भी आपको बताएंगे, बकायदा हर चीज वो आपको डिटेल देंगे, क्योंकि आप उनको क्या देने वाले हो, बिजनेस देने वाले हो, राइट? तो यहां पे जब सारी डिटेल आपके पास आएगी वही डिटेल आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करनी है, और अपडेट करने के बाद कंपनी आपकी, वेबसाइट आपकी, कॉल आपके पास आएंगी, राइट? तो अब आपको करना क्या है कि क्योंकि आप एक डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो तो आपको ट्रैफिक लाना तो आ गया, यहां पे लीड जनरेट करनी आ गई, अब आपको करना कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं रखना है, बस आपको खुद का डिजिटल मार्केटिंग का ही काम करना है। वो ये करना है कि आपको लीड आई, लीड को आपको अब कन्वर्ट करना है, आपको डेमो वगैरह के लिए जाना है, अगर कस्टमर बोलता है आप उसको डेमो चाहिए, मतलब जो कैटलॉग्स वगैरह हैं वो चाहिए, तो ऐसे में आप खुद भी जा सकते हो सप्लायर के साथ में कि भैया यहां पे जाना है, क्लाइंट ने बुलाया है, राइट? या फिर आप जो है अपने जो भी सप्लायर है जिसके साथ में आपने टाइप करा है, आप उससे एक बुकलेट ले लें, आप खुद जाकर उसको रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करके ऑर्डर क्लोज कर लें अपने रेट्स के हिसाब से, अब या फिर अपने रेट नहीं, जो आपको रेट दिए गए हैं आप उसी रेट में पूरा क्लोज कर लें। अब ऐसे में अगर वो ऑर्डर क्लोज हो जाता है उसका जो है आपको कमीशन मिलेगा, राइट? तो ऐसे में जो है आप अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हो, अलग अलग कैटेगरी के अंदर वेबसाइट्स बना सकते हो, और वेबसाइट्स बनाने के बाद आप अपने आप को एनहेंस कर सकते हो, क्योंकि अब आपको किसी थर्ड पार्टी को पैसा नहीं देना है वेबसाइट को सर्च इंजन में लाने का, टॉप पे लाने का, वो काम आपने कर लिया। अब ऐसे में जो है जितनी भी कॉल्स आपके पास आएंगी वो उनमें से अगर 100 कॉल्स आई हैं और 10 भी कन्वर्ट हो गई तो डेफिनेटली आप जितना वहां पे आपने जितने एफर्ट लगाया है उससे कहीं ज्यादा जो है आप यहां पे कमाने लग जाएंगे। एक वेबसाइट से इस तरह से स्टार्ट करें, दूसरी वेबसाइट बनाएं, तीसरी वेबसाइट बनाएं, चौथी वेबसाइट बनाएं, तो इस तरह से जो है आप अपने डिजिटल मार्केटिंग का जो आपने अभी तक सीखा है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है चाहिए, उसमें क्या क्या आइडिया लगाना है, किस तरह से आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है ना, तो इस तरह से जो है आपके पास बहुत सारे आइडियाज आपको जनरेट आपको करने हैं, और डेफिनेटली मेरे पास भी जितने आइडियाज होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगा। तो इस तरह से आप बेटर कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो यहां पे बहुत ही कम समय लगेगा आपको और बहुत अच्छी इनकम जो है आप विदाउट डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी आप खुद जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे में जो है आपके पास यहां पे क्या है कि आपकी यहां पे वैल्यू क्या बढ़ रही है, आपका ब्रांडिंग हो रही है,
आपकी एक ब्रांडिंग भी बन रही है क्योंकि ऑनलाइन आपको लोग जान रहे हैं। अब वो जब आगे काम आपका जो एग्जीक्यूट हुआ है तो वो डेफिनेटली आगे रेफरेंस देंगे, तो उससे भी आपके पास काम आने लग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर आप एक टीम मेंबर रखो, दो टीम मेंबर रखो, तीन टीम मेंबर रखो, धीरे धीरे टीम मेंबर्स और रखते चले जाओ, और उसके बाद जो है आपकी खुद की कंपनी जो एक वेबसाइट से आपने शुरुआत करी है, और उसके बाद आने वाले 2-3 साल के अंदर आई एम श्योर, आई एम गारंटी देता हूं कि आपको काफी अच्छा खासा जो है बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका काफी अच्छी खासी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी ब्रांडिंग एक बन जाएगी, आपके अंडर में जो है एक टीम पूरी खड़ी हो जाएगी। तो ये जो है एक बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप किसी भी देख लो, कोई भी प्रोडक्ट देख लो, कोई भी मैन्युफैक्चरर देख लो, अगर वो कितना भी प्रीमियम प्रोडक्ट बना ले, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग नहीं करी है तो डेफिनेटली वहां पे कुछ भी उसका हो नहीं सकता। तो इसी वजह से जो है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग को जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप डेली बेसिस पे स्टार्ट होते हैं और फेल हो जाते हैं, उसका कारण यही है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है ध्यान नहीं देते हैं। और इसी वजह से आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा टॉप के अंदर है ना। तो इसी वजह यहां पे खर्चा कम लगता है, बस आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट बना सकते हो, आपका खुद का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, ब्रांडिंग हो जाएगी, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको यहां पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आई एम श्योर आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को एनहेंस कर सकते हो, एक एस्टैब्लिश कंपनी की तरह जो है आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको और आइडिया चाहिए है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।